अनुच्छेद तिरंगा झंडा। प्रणाम बच्चों, मेरे इस YouTube चैनल स्टडी सर्कल में आप सबका बहुत स्वागत है। मैं शिल्पा, आज आप बच्चों के लिए एक फिर से एक बार एक नया विषय लेके आप सबके सामने आई हूँ। और जो आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, वो टॉपिक का नाम है, उस विषय का नाम है अनुच्छेद। तो आज हम तिरंगा झंडा, हम आज अपने तिरंगे झंडे के ऊपर एक छोटा सा अनुच्छेद लिखेंगे। तो आइए हम अपना अनुच्छेद स्टार्ट करते हैं। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। प्रत्येक स्वतंत्र देश का राष्ट्र ध्वज होता है, तिरंगा हमारे देश का राष्ट्र ध्वज है, ये तो आप सब बच्चों को बहुत अच्छे से पता है। यह हमारे देश के सम्मान और गौरव का प्रतीक है। हमारे राष्ट्र ध्वज में 3 रंग हैं, इसीलिए इसे तिरंगा कहते हैं। इसमें 3 रंगों की समान आकार की 3 पट्टियां हैं। सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी है, केसरिया रंग हमें क्या, किस चीज़ का प्रतीक है? केसरिया रंग त्याग और बलिदान का प्रतीक है। बीच की पट्टी सफ़ेद रंग की है, सफ़ेद रंग शांति, अहिंसा और सत्य का सूचक है। नीचे की पट्टी हरे रंग की है, हरा रंग हरियाली और समृद्धि का सूचक है। सफ़ेद पट्टी के बीच में एक चक्र बना है जो नीले रंग का है। इस चक्र में 24 आरे हैं। यह चक्र समय और प्रगति का प्रतीक है। सभी सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। यह हमारे देश की स्वतंत्रता, एकता और शक्ति का प्रतीक है। यह हमारे देश की शान है। यह हमें प्राणों से भी प्यारा है। इसकी रक्षा करना हम सबका पहला कर्तव्य है। तो ये हमारा अनुच्छेद है हमारे तिरंगे झंडे के ऊपर। आप सबको पता है कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, उसे हम सभी क्या, किस नाम से बुलाते हैं? तिरंगा। तिरंगा उसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसमें 3 रंग हैं। कौन कौन से 3 रंग हैं? केसरिया, सफ़ेद और हरा। जो केसरिया रंग है वो किस चीज़ का सूचक है, किस चीज़ का प्रतीक है? वो है त्याग और बलिदान का। जो सफ़ेद रंग है वो शांति, अहिंसा और सत्य का सूचक है। और जो हरा रंग है वो हरियाली और समृद्धि होती है डेवलपमेंट, तरक्की का सूचक है। जो सफ़ेद रंग की पट्टी है उसके बीच में एक चक्र बना होता है नीले रंग का, और उस नीले रंग के चक्र में 24 आरे होते हैं, जो कि हमें हमेशा समय और प्रगति का प्रतीक है। हमें समय के बारे में वो बताते हैं। जितने भी सरकारी भवन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उन सब के ऊपर क्या होता है? हमारा तिरंगा झंडा लगा होता है। ये हमारा जो झंडा है वो हमारी स्वतंत्रता, एकता और शक्ति का प्रतीक है। हमारी स्वतंत्रता को दिखाता है, ठीक है। यह हमारे देश की शान है और इसकी रक्षा करना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। तो उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चों को ये जो हमारा अनुच्छेद है तिरंगा झंडा समझ में आया होगा। कृपया इस अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए, समझिए, लिखिए और याद कीजिए। धन्यवाद। ये वीडियो ख़त्म करने से पहले आप सबसे मेरी विनती है कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल स्टडी सर्कल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो मेरी नेक्स्ट कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहले आ जाए, आपको कोई भी वीडियो ढूंढनी ना पड़े। अगर आपको अपने किसी पुराने टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए, वो भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। आपको आपकी बुक की सारी वीडियोस वहाँ पे मिल जाएंगी। धन्यवाद बच्चों, आप सबका दिन शुभ रहे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।